हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, एमपीएस लिमिटेड की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहां कहां पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो एमपीएस लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कंटेंट सॉल्यूशंस, प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस, ई लर्निंग सॉल्यूशंस एंड डेटा प्रोसेसिंग, होस्टिंग एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंसल्टेंसी एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 1205 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 17.3 की PE है, 28% है कंपनी की ROCE एंड 20.8% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 5.02% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 8.24% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 4.27% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 के क्वार्टर के अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 118 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 113 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 120 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो ग्रोथ है, इनकम की ग्रोथ है, वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही निकल के आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो ग्रोथ है वो स्लाइटली पॉजिटिव में है एंड वहीं पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो स्लाइटली नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 20.64 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 22.06 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था एंड जून 2021 के क्वार्टर में 21.41 करोड़ की प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो दोनों में ही फ्लैट निकल के आ रही है। लेकिन अनलाइक दी इनकम ग्रोथ, यहाँ पे दोनों में ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो स्लाइटली नेगेटिव की तरफ ही है एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जितनी इनकम ग्रोथ हुई थी उससे कहीं ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसीलिए कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो स्लाइटली नेगेटिव में जा चुकी है ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अभी अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जून 2022 के जो EPS निकल के आई है वो है 12.07 की, मार्च 2022 के क्वार्टर में ये थी 12.59 की एंड जून 2021 के क्वार्टर में ये थी 11.86 की। तो यहाँ पे भी मामला सब कुछ फ्लैट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने स्लाइटली पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, वहीं पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने स्लाइटली नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ मामला जो है, सब कुछ ग्रोथ, कंपनी की सब ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही निकल के आ रही है। कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव में है, कुछ थोड़ा सा नेगेटिव में। मेजर चेंजेस यहाँ पे आप लोगों को, मेजर ग्रोथ आप लोगों को यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 19-20 का ही फर्क है। तो ग्रोथ इस कंपनी में है ही नहीं, ग्रोथ एंटायरली जीरो है। कहीं पर थोड़ा सा पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है, कहीं पर थोड़ा सा नेगेटिव ग्रोथ। कंपनी की इनकम फिगर्स, कंपनी की प्रॉफिट फिगर्स एंड EPS के फिगर्स ऑलमोस्ट एक ही रेंज के अंदर घूम रही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट तो दिया है लेकिन ग्रोथ जीरो है, ग्रोथ एंटायरली जीरो है। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी के रिजर्व के साथ साथ डेट भी रिड्यूस हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा रिड्यूस हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है एंड ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन FY 2022 में बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे
में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 9 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर नेगेटिव 6 करोड़ की हो चुकी है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग एंड DIIs की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी FIIs ने सेलिंग करी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 21.77% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन कंपनी की जो ग्रोथ है वो ना के बराबर है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। बाकी बैलेंस शीट की हेल्थ भी ठीक ठाक है, मतलब बहुत ही बढ़िया है बैलेंस शीट की हेल्थ। एंड कैश फ्लो की जो कंडीशन है वो नेगेटिव में है लेकिन ठीक ठाक है, ये नहीं बोलूंगा कि एकदम बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स भी देखा जाए ना कंपनी की तो वो भी ठीक ठाक ही निकल के आ रही है, लेकिन ग्रोथ एंटायरली जीरो है इस कंपनी की। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के या तो फिर जून क्वार्टरली की रिजल्ट देख के मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग इस कंपनी में एक भी पैसा लगाओ। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी यहाँ पे एक डबल टॉप या तो फिर एम पैटर्न का फॉर्मेशन करके अभी नीचे की तरफ गिर रही है। एंड यह है कंपनी की लास्ट 52 वीक हाई की रेजिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अभी कंपनी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट लेवल निकल के आ रही है 656 रुपीज के लेवल। तो मैक्सिमम चांस तो यही है कि कंपनी एटलीस्ट यहाँ तक की फॉल तो शो करेगी ही करेगी, और यह भी हो सकता है कि कंपनी यहाँ से भी फॉल कर जाए, मतलब यहाँ से भी स्लिप कर जाए। एंड अगर कंपनी यहाँ से स्लिप करती है तो मैक्सिमम चांस यही है कि कंपनी 535 रुपये तक की फॉल शो कर सकती है। तो जो लोग भी इस कंपनी में शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही बोलूंगा, अगर ये कंपनी आप लोगों को 535 रुपए के आसपास मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। और अगर बाय चांस ये कंपनी यहां तक की फॉल शो नहीं करती है तो आप लोग 656 रुपए के आसपास भी एंट्री प्लान कर सकते हो। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो गाइस सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल। अगर कंपनी यहां से रिवर्सल शो करती है तो आप लोग रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 779 रुपीस। और अगर बाय चांस कंपनी यहां तक की फॉल शो करती है एंड अगर कंपनी यहां से रिवर्सल शो करती है तो रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग 656 के टारगेट के लिए बाइंग प्लान कर सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहां पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।